वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ उन्होंने ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ले ली है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देहरादून से। सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देहरादून से, जहां पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली है। सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, 46 वर्ष की उम्र में सीएम पद की शपथ ली है पुष्कर सिंह धामी ने। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई है। सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें दिला दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, यहां पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह श्री मिशन सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने पधारने का कष्ट करें। मैं मिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। ना मैं भय या पक्षपात या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्र के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कर के सिवाय जबकि ऐसे मंत्र के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता पक्षों में रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरग्रहण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश वासी जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नवीजी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्गत से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पवित्रता और अखंडता पक्षों रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती रेखा आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
श्री यतीश्वरानंद जी कृपया सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता मकसूद रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं न्याय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यदि स्मरण ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो इसे उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तप के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट न करूंगा। तो ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून के राजभवन से, जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है। उनके साथ ही सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उत्तराखंड के देहरादून के राजभवन से सीधे आप देख सकते हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाई है और 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।